वंदे मातरम बच्चों, आज कई दिनों के बाद हम पुनः दोबारा से अपने इसी सेकंड चैप्टर को जो अभी कुछ बाकी है उसको कंटिन्यू करेंगे और अब हम इस चैप्टर के लगभग अंत की ओर ही हैं। एक बात ध्यान रखने वाली है, जैसा मैं बार बार आपको कहता हूं कि हमें पॉइंट वाइज टॉपिक वाइज स्टडी करनी है और क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करनी है। तो आप सब जानते हैं कि इस चैप्टर का हमारा फोर्थ टॉपिक चल रहा है जिसका टाइटल था अक्टूबर के बाद क्या होगा। पिछले ही वीडियो में या आप कहें पिछले ही टॉपिक में हमने पढ़ा था कि बोल्शेविक जैसे ही सत्ता में आए अक्टूबर 1917 में, उन्होंने बहुत से बदलाव किए। वो आप जानते हैं कि क्या क्या बदलाव थे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जमीन किसानों को लेने की खुली छूट, या शहरों में मकानों के छोटे छोटे टुकड़े, सरकारी पदवियों के या पुरानी जो राजशाही की पदवियां थी उनके उपयोग पर पाबंदी, इस तरह के बहुत से काम किए। उसी के कंटिन्यूशन में, यानी उसी के आगे का टॉपिक जो है 4.1 गृह युद्ध, इसको आज हम करेंगे। यहां एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, वो ये कि बहुत से बच्चों के मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि सर हमें इंग्लिश मीडियम में दिक्कत आ रही है। कुछ बच्चे कहते हैं कि आपने ब्लैक बोर्ड वर्क इंग्लिश मीडियम में किया है तो हमें हिंदी मीडियम में दिक्कत आ रही है। एक मैं स्पष्ट बात आज आपको बताता हूं कि जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है। तो आपको जब भी ऐसी दिक्कत आए आप अपने दूसरे मीडियम की बुक से हेल्प भी लें, ये आपके लिए बड़ा मददगार होगा। बात करते हैं 4.1 गृह युद्ध। ये गृह युद्ध क्या था? आप जानते हैं रूस में क्रांति हुई और ये फरवरी में उथल पुथल और फिर अक्टूबर में आपने देखा कि पूरी तरह से सत्ता पर समाजवादियों का नियंत्रण स्थापित हो गया, बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो गया। उन्होंने बहुत से क्रांतिकारी बदलाव भी की रूस में, उससे रूस के अंदर गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। गृह युद्ध जब होता है जब देश की सीमाओं के ही अंदर अलग अलग गुटों के अंदर लड़ाई। अब देखते हैं रूस में गृह युद्ध कैसे हुआ। देखो बेटा, जैसे ही बोल्शेविक लोगों ने यह छूट दी कि किसान अपने गांव में जो सामंतों की जमीनें हैं, जो नोबल्स की लैंड है, उसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं, उस पर कब्जा कर सकते हैं, तो रूस की सेना टूटने लगी। जो रूस के अंदर बोल्शेविक पार्टी को छोड़कर दूसरे समाजवादी थे, जैसे सामाजिक क्रांतिकारी थे या पुराने राजा के समर्थक थे या जैसे कि रूढ़िवादी थे या उदारवादी लोग थे, इन सभी ने इसका विरोध किया। किसका विरोध किया? बोल्शेविक लोगों का। इसलिए इन लोगों ने बोल्शेविक लोगों से लड़ने के लिए, यहां एक चीज ध्यान रखने वाली है कि बोल्शेविक लोगों की जो सेना थी वो कहलाती थी रेड्स। रेड्स इसलिए क्योंकि रेड यूनिफॉर्म पहनते थे। अक्टूबर के बाद क्या बदला उसमें हमने देखा कि इन्होंने सेना की वर्दी भी बदल दी थी। तो जो रेड्स थे उनसे लड़ने के लिए उदारवादियों ने, सामाजिक क्रांतिकारियों ने और राजशाही के समर्थक यानी रूढ़िवादियों ने मिलकर दक्षिण में, रूस के दक्षिणी हिस्से में इकट्ठा होना शुरू कर दिया। अब जो राजा के समर्थक थे वो व्हाइट कहलाते थे, राजशाही के समर्थक व्हाइट्स, क्योंकि पुराने राजा की सेना सफेद वर्दी पहनती थी। तो व्हाइट्स लोग निजी संपत्ति के हिमायती थे, यानी वो चाहते थे कि जो गांवों में सामंतों की जमीनें हैं, जो नोबल्स की लैंड है गांव के अंदर, वो हमें वापस मिलनी चाहिए। और बोल्शेविकों के शासन में उस जमीन पे कब्जा कर रहे थे किसान। ठीक है, अब आप एक चीज और देखिए, जो सामाजिक क्रांतिकारी थे यानी जो समाजवादी लोकतांत्रिक पार्टी का दूसरा हिस्सा था, वो कहलाते थे ग्रीन्स। ठीक है, वो थे ग्रीन्स, बोल्शेविक रेड्स, राजा के समर्थक व्हाइट, ये तीन गुट बन गए। अब जब इन लोगों ने मिलकर बोल्शेविकों के खिलाफ मोर्चा इकट्ठा किया,
ज्यादातर 18 और 19 की बात हम करें, 1917 में तो बोल्शेविक लोगों का सत्ता में नियंत्रण हो गया, लेकिन रूस के ज्यादातर हिस्सों पर अभी भी जार के समर्थकों का और उदारवादियों का कब्जा था, क्योंकि अचानक पूरे देश में बदलाव नहीं होता है। तो इन लोगों ने वापस जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब वाइट्स जो लोग हैं, यानी जो पुराने राजा के समर्थक हैं, वो जब दोबारा जमीन पर कब्जा कर रहे थे तो उन्होंने किसानों के साथ बहुत ज्यादतियां की। यहां एक बात और अपने को ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो गृह युद्ध था, इसमें ये लोग जो थे राजा के समर्थक थे, इनकी सपोर्ट विदेशी शक्तियां भी कर रही, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रूस में समाजवाद आए। उनको लगता था इससे कभी ना कभी बाद में इनके देश में भी ऐसा ही हो सकता है। तो जो राजा के समर्थक थे, जो वाइस थे, उनकी सपोर्ट कर रहे थी विदेशी शक्तियां। अब दिक्कत ये आ रही थी बेटा कि जब इन लोगों ने दोबारा किसानों पे हमले करके या उनसे जमीनें छीनने का अभियान चलाया या प्रयास किया, तो किसानों के साथ बहुत ज्यादा की, इनके पास सेना थी, किसानों के पास सेना नहीं थी। तो जब इन्होंने किसानों का बहुत ही निर्ममता से या बर्बरता से दमन किया, तो ये सभी लोग अलोकप्रिय हो गए, अनपॉपुलर हो गए। लोगों को लगा कि नहीं यार, बोल्शेविक ज्यादा ठीक है। तो लोग जन समर्थन जो है वो किसकी तरफ चला गया, बोल्शेविक ये स्थिति है। उसकी गृह युद्ध हो रहा है, एक तरफ है रेड्स यानी बोल्शेविक, दूसरी तरफ है वाइट्स यानी राजा के समर्थक, और एक तरफ है ग्रीन्स यानी सामाजिक क्रांतिकारी। लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि सबसे अच्छे बोल्शेविक हैं जो हमें जमीनें दे रहे हैं, किसानों को ये लग रहा है। तो धीरे धीरे बोल्शेविक लोगों ने अपनी ताकत या उनका प्रभाव बढ़ने लगा। बोल्शेविकों की मदद किसने की, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। बोल्शेविकों की मदद की गैर रूसी राष्ट्रवादियों ने। गैर रूसी राष्ट्रवादी कौन थे, दबाव डालो थोड़ा दिमाग पे। ऐसे लोग जो रूसी साम्राज्य का हिस्सा थे, यानी रूस के उपनिवेश थे, रूस नहीं थे, रूस के उपनिवेश थे, यानी रूस के गुलाम थे, रूस से आजाद होना चाहते थे। जैसे हमने एक दिन बात की थी पिछले इस पार्ट के पीछे के हिस्से में, बेलारूस था, पोलैंड था, मध्य एशिया में खीवा था, यानी ऐसे औपनिवेशिक राज्य जो रूस के नियंत्रण में थे, वहां के लोग भी राजा के शासन को समाप्त करके बोल्शेविकों की मदद कर रहे थे। मुस्लिम जदीदियों ने भी बोल्शेविकों की मदद की। कौन थे मुस्लिम जदीदी, सुधारवादी इस्लाम के समर्थक। हमने रूसी साम्राज्य में पढ़ा था अगर आपको याद हो, तो बोल्शेविकों की मदद कर रहे थे गैर रूसी राष्ट्रवादी और जदीदी लोग। अब ये गृह युद्ध की स्थिति है, धीरे धीरे जनता का समर्थन बोल्शेविकों को मिलता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। सारे के सारे रूस पर बोल्शेविकों का कब्जा हो गया, या आप कह सकते हैं इस गृह युद्ध में बोल्शेविकों की विजय हुई। एक और हमें बात समझने वाली है कि जो गैर रूसी राष्ट्रवादी थे, यानी रूस के उपनिवेश थे, वहां पर कई जगह दिक्कतें आई। जब जो औपनिवेशिक लोग थे, यानी जो उन पे कब्जा किए हुए थे, वो समाजवाद के नाम पर उपनिवेशों की प्रजा पर, यानी उपनिवेशों में रहने वाले लोगों पर अत्याचार करने लगे। इसलिए गैर रूसी राष्ट्रवादियों को, यानी आप ये कह सकते हैं नॉन रशियन नेशनलिस्ट मींस जो उपनिवेशों के लोग हैं, उनको कई बार ये समझ नहीं आता था कि ये बोल्शेविक लोग चाहते क्या है। यानी उन्होंने तो बड़े सपने देखकर बोल्शेविकों की सपोर्ट की, उनको लगा कि बोल्शेविक आकर हमें आजाद कर देंगे, हमें स्वतंत्र कर देंगे, उपनिवेशवाद से हमारी मुक्ति होगी। ऐसा नहीं हुआ। बहुत सी जगह समाजवादी लोगों ने उनका शोषण करना, उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, उन पर नए अपने कानून थोप दिए। ठीक है, अब ये ऐसी स्थिति थी कि वो लोग इनसे जुड़ नहीं पाए, इनका आपस में विश्वास पैदा नहीं हुआ। बाद में जब यूएसएसआर बना, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जब बना, यूएसएसआर सोवियत संघ जिसे कहते हैं, उसमें इन लोगों को, ये जो गैर रूसी राष्ट्रवादी थे, आप इसको ध्यान से समझना बेटा,
गैर रूसी राष्ट्रवादी मीन्स यानी नॉन रशियन नेशनलिस्ट, यानी जो रूस के उपनिवेशों के लोग थे, ठीक है, उन लोगों को राजनीतिक स्वायत्तता दी गई, ठीक है, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी गई कुछ उनका विश्वास जीतने के लिए, लेकिन वो बात नहीं बनी, वो पूर्ण कंप्लीट फ्रीडम चाहते थे, जैसा हमारे देश में भी हुआ था, हम भी अंग्रेजों से पूरी आजादी चाहते थे और अंग्रेजों ने बीच में हमें डोमिनियन स्टेटस यानी आधी आजादी दी, लेकिन हम भी उससे संतुष्ट नहीं हुए, तो ये एक अविश्वास बना, ये गृह युद्ध था, ये रूस के अंदर सिविल वॉर था, जिसमें अल्टीमेटली अंततः किसकी विजय हुई, बोल्शेविकों की, बोल्शेविक लोगों ने सत्ता पर अपना पूर्ण नियंत्रण कर लिया। ये आज का टॉपिक था, इस पर भी आपको एक प्रश्न करना है कि बोल्शेविकों ने सत्ता में आने के पश्चात रूस पर कैसे नियंत्रण स्थापित किया, या रूस के समाजवादी क्रांति के बाद की गृह युद्ध पर टिप्पणी लिखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द सिविल वार हैपन इन रशिया आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन, ठीक है, ये प्रश्न करते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। जय हिंद।